हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। जी क्या नाम आपका? जी आप क्या घटना घटी थी आपके साथ जो है, क्या आपके पति के साथ? क्या नाम था उनका? मारू। अच्छा, गोली लगी थी। आपको कब पता चला था? कहाँ? जी जी, तो चार साल में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? कि कुछ जो है आपके आंसू पूछने कौन कौन आया? ये जी जी, आपका क्या नाम है? जी आपके हस्बैंड का क्या नाम था? मोहम्मद फुरकान। कहाँ उनकी मृत्यु दंगों में कैसे हुई थी? गोली लगी थी। किस जगह पर ये? करदमपुरी की पुलिया पे गोली लगी थी। जी कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। तो जयपाल सिंह ट्रस्ट जो ये आपको जो है बच्चों के लिए जो है मदद कर रहे हैं। जी जी, आपका क्या नाम है? साहिरा। जी और क्या नाम था आपके पति का? मोहम्मद आकिल। तो कैसे उनको कैसे मौत हुई थी उनकी? मार के नाले में डाल दिया। कहाँ, कौन से वाले नाले में? भागीरथी विहार वाले में। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे। तो अब उनके जो मतलब कैसे गुजारा होता है? लोअर सिटी है, काम करती हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। जी ठीक, क्या नाम आपका? जी आपके लड़के को गोली लगी थी, उससे मौत हो गई थी उसकी। जी क्या काम करता था लड़का? अच्छा, तो शादीशुदा था बच्चा या? उनके दो बच्चे हैं। तो जयपाल सिंह मेमोरियल ट्रस्ट जो है ये बच्चों की देखभाल कर रहा है। जो ये इस तरह के दंगे हुए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी, आपका क्या नाम है? जी कितने बच्चे हैं उनके? उनके एक बच्चे ने की शादी तय थी लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, शादी तय हो गई थी, शादी हुई नहीं थी। क्या नाम था? मोनिस। मोनिस, कहाँ पर रहते हो? राजा बिहार। वो यहाँ काम कर रहे आते थे, उनके चाचा और चाचा की लड़की ये दामाद रहती। ठीक है, क्या नाम आपका? जी जोर से बोलो। सीमा बेगम। जी आपके बेटा था आपका? जी जी, क्या नाम था? राजा अरशद। अच्छा अच्छा, जो आपकी दंगों में आपके बेटे की मौत हुई, कितनी उम्र थी बेटे की? 22 साल। शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। जब बड़ा बेटा था। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दंगों के बारे में? क्या नाम आपका? मोहम्मद नसीम आला। जी आपका बेटे की कैसे मौत हुई थी? सर मेरा बेटा जो है ये भजपुरा में मोबाइल का काम करता था। तो मोबाइल का काम करता था, 26 फरवरी को उसने ये काम, दुकान बंद थी तो मैं पुताई का काम करता। तो वो बोला कि
पापा मैं चला जाता हूँ जब ना बिहार में काम करने के लिए, तुम इधर चले जाओ, तुम मैं गाछी का चला जा। जब शाम हुआ तो यहाँ पे फिर घर पे फोन किया उसने कि अम्मी जो दंगा उधर कैसा है, बोले नहीं दंगा तो नहीं है इधर, बेटा उधर कैसा है, तो पूछते पे 144 लगा हुआ था। तो उधर से नहीं जाते वो गली में घुसा, गली में पकड़ के उसको मार दिया, जो कच्छा उतार के देख के कि हम मुसलमान हैं उसके बाद मारा गया। तो जिन गली वालों ने जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ आपने FIR वगैरह कराई थी कोई? मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं किसके FIR? तो पुलिस ने क्या उस मामले में किसी को गिरफ्तार किया? इसका भी कुछ नहीं हो रहा, मैं थाने कई बार गया हूँ, भी कुछ इसका नहीं हो रहा। मैं थाने करावटनगर थाने में मैं कई बार जाकर हुआ हूँ, उसका क्या हुआ सर कोई केस में इसका, बोला कुछ नहीं हो रहा। 4 साल हो गए दंगे को, 4 साल हो गए। तो अभी तक इंसाफ मिला आपको या नहीं मिला? कुछ नहीं मिला इंसाफ, नहीं मिला ना मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे दंगों के बारे में, ये जो हिंसा हुई है? अब दंगा हुआ था हमें तो लूट लिया ही, हम तो बर्बाद हो गए, अब क्या कहें। हमें तो जो भी था बस वही बेटा था, उसी में तो हम सब चल रहे थे। अब हमारी उम्र देखो, उसके अलावा तो कोई था नहीं, काट रहे कैसे कैसे।